नेक्स्ट क्वेश्चन एटीन है लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर अप्लाई रोल स्योरम टू द फंक्शन ये कैपिटल एफ ऑफ पे रोल स्योरम अप्लाई करना है टू ऑबटेन द रिजल्ट डेट जर्नालाइज द मीन वैल्यू थ्योरम यानी रोल स्योरम की मदद से हमने मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट निकालना है सल्यूशन On expanding the determinant, we observe that capital F of X is continuous. एन डिफरेंशियबल आल्सो अगर हम इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन देखें तो एक्सपेंशन के बाद ये फंक्शन हमें कॉन्टीन्यूस भी मिलेगा और डिफरेंशियबल भी मिलेगा क्योंकि एक्स की पावर एन ये पॉलिनोमियल है हर पॉलिनोमियल कंटीन्यूस और डिफ्रेंशियबल होती है आल्सो एफ ऑफ ए एफ़ ऑफ एफ़ ऑफ एफ ऑफ बी ए की पावर एन ए की पावर एन बी की पावर एन वन 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 ये सारा डिटर्मिनेंट आंसर किस चीज़ के बराबर हो जाएगा ज़ीरो के क्योंकि इसके दो कॉलम कॉलम वन और कॉलम नंबर टू आइडेंटिकल आ रहे हैं सी वन आइडेंटिकल है सी टू के साथ इसी तरह फाइंड करते हैं एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी एफ ऑफ एफ ऑफ बी बी की पावर एन ए की पावर एन बी की पावर एन वन वन इस डिटरमिनेंट का आंसर भी हम किस चीज़ के बराबर लिखेंगे ज़ीरो के कॉलम वन आइडेंटिकल हो गया है कॉलम नंबर थ्री के साथ तो इसमें यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी देन देयर आर एग्जिस एटलीस्ट वन पॉइंट देन देयर आर एग्जिस एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल ए कौमा बी सच डैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो रोल शुरू हमें क्या कहता था कि इस सी पॉइंट के ऊपर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो किस चीज के बराबर होगा जीरो के एफ डैश एक्स इज़ इक्वल टू एफ डैश एक्स एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर एन बी की पावर एन ये ज़ीरो फिर वन और वन ये हमने इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है और इसमें अगर मैं c पुट कर दूं f डैश c इज़ इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज f डैश सी f ऑफ f ऑफ b n c की पावर n माइनस वन ए की पावर n b की पावर n ज़ीरो वन और फिर वन जहां जहां एक्स था वहां पर वैल्यू हमने सी पुट कर दी है अब इस डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन करते हैं एफ डैश सी इसकी रो भी छोड़ दें इसका कॉलम भी छोड़ दें ए की पावर एन बी की पावर एन वन वन फिर माइनस का एन सी की पावर एन माइनस वन इसकी रो इसका कॉलम छोड़ देंगे एफ़ ए एफ ऑफ बी और वन वन फिर माइनस प्लस का ज़ीरो इसकी एक्सपेंशन की है फ्रॉम कॉलम नंबर वन इज़ इक्वल टू ज़ीरो एफ़ डैश सी ए रेस टू पावर एन माइनस का बी रेस टू पावर एन और इसे इधर ट्रांसफ़र अगर करता हूँ तो एन सी की पावर एन माइनस वन एफ़ ऑफ ए माइनस का एफ़ ऑफ बी और यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ़ डैश सी इज़ इक्वल टू एन एफ डैश सी इज इक्वल टू एन सी रेस टू पावर एन माइनस वन एफ ओ बी माइनस का एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी की पावर एन माइनस ए की पावर एन ये सारा फैक्टर एन सी रेस टू पावर एन माइनस वन को डिवाइड किया इन दोनों से नेगेटिव साइन हमने कॉमन लिया एफ ओ बी माइनस का एफ ऑफ ए इसी तरह यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे दो नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे पॉजिटिव और ये सारा हमारे पास थ्योरम कौन सा है मीन वैल्यू थ्योरम की ये कंडीशन है और तो हमने रोल्स थ्योरम की मदद से फाइंड आउट कर लिया है मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नाइनटीन नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नाइनटीन लेट ए एक्स वन कॉमा बाई वन एंड बी एक्स टू कॉमा बाई टू बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ द पैराबोला वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक है क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला होता है बाई मीन वैल्यू थियोरम देयर इज़ अ पॉइंट एक्स थ्री कामा बाई थ्री ऑन द कर वेयर टेंज लाइन इज पैरल टू द ए बी वेयर देंजर्ड लाइन इज़ पैरल टू द कॉर्ड ए बी ये बताता है कि हमारे पास मेन वैल्यू थोरम इसके ऊपर एप्लीकेबल है शो डैट एक्स थ्री इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाई टू यानी एक्स थ्री जो है वो एक्स वन और एक्स टू की क्या बन जाएगी एवरेज बन जाएगी ये बात हमने प्रूव करनी है देखिए इसका सोलूशन f of x is equal to ax square bx plus c by mean value theorem f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 is equal to f dash x3. एफ़ ऑफ एक्स टू एफ़ ऑफ एक्स टू हमारे पास आ जाएगा जी ए एक्स टू का स्क्यर प्लस बी एक्स टू प्लस सी माइनस का एफ ऑफ एक्स वन ए एक्स वन स्क्र प्लस का बी एक्स वन प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज़ इक्वल टू एफ़ डैश अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो टू एक्स और प्लस का बी और इसमें हम थ्री पुट करते हैं तो टू एक्स थ्री और प्लस का बी नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा दें एक्स टू स्क्र प्लस का बी एक्स टू प्लस सी माइनस एक्स वन स्क्र माइनस का बी एक्स वन माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज़ इक्वल टू टू एक्स थ्री और प्लस का बी इन दोनों से अगर हम a कॉमन ले लें x2 टू स्क्र माइनस एक्स वन फिर b कॉमन लेते हैं तो x2 टू माइनस का x1 ये c इस c से कैंसिल डिवाइडेड बाय x2 टू माइनस एक्स वन इसवल टू टू एक्स और प्लस का b जी यहाँ से अगर हम फैक्टर बना दें ए स्क्यर माइनस बी स्क्र ए माइनस बी और ए प्लस बी और माइनस वाला फैक्टर कॉमन ले लें एक्स टू माइनस का एक्स वन अगर कॉमन ले लिया जाए इधर आ जाएगा ए एक्स टू प्लस का एक्स वन और प्लस का बी डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन इज़ इक्वल टू टू ए एक्स थ्री और प्लस का बी ये एक्स टू माइनस एक्स वन इस एक्स टू माइनस एक्स वन से कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट है जी एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू टू एक्स थ्री प्लस बी प्लस बी इससे कैंसिल ए इससे कैंसिल और यहाँ से अगर हम देखें तो x3 की वैल्यू आ जाएगी x2 टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू और यही बात हमने जो है वो प्रूव करनी थी तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो